ये देखें दोस्तों, सब लोग एक कोने में जमा हो चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू संडे व्लॉग। दोस्तों आज संडे है और आज संडे के दिन डेरा जात रैली डी ए खान में मुनक्किद हुई, जिसका आज आखिरी दिन है और फाइनल है। तो हमने सोचा कि हम अपना इतवार का दिन आज डेरा जात रैली के नाम करते हैं। तो अभी हम रास्ते में हैं, जा रहे हैं तकरीबन, ये कौन सी जगह है शम्स? ये मेरे ख्याल में कुशा पुल है। हाँ, कुशा पुल पे हम मौजूद हैं। अभी रास्ते में ही देखे शम्स भाई को भूख लग गई है, वो शम्स कह रहा है कि नहीं मुझे कुछ खाना है। तो मैं, हमने कहा चलो ब्रेक लगा दें, कुछ खाते पीते हैं। उस्ताद जी साढ़े नहीं तो बस थोड़ा पेट पूजा करते हैं, उसके बाद निकलते हैं और आपके साथ डेरा जात रैली शेयर करते हैं। तो ये यहाँ पे हम अपनी नज़र भी थोड़ी उतार लेते हैं, क्योंकि नज़र बद से हम महफूज रहे हैं। नज़र उतारने की चीज़ें तो नहीं है हम। हाँ, ये डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद है, डॉक्टर साहब को नज़र न लग जाए। कुछ हद तक आप लोगों के साथ मैं भी शरीक हूँ। अच्छा, जाएंगे देखेंगे रैली देखेंगे। हाँ, तो आज हमारे साथ तीसरी पार्टी मौजूद है, डॉक्टर सलाहुद्दीन। कम्बिनेशन भी अच्छा बन रहा है कि आज संडे व्लॉग भी है आप लोगों का और संडे भी है। कुछ गुजारा हुआ यार? गुजारा नहीं हुआ, पता नहीं तुम्हारा पेट है क्या? मैं तो नहीं किया यार। तो अभी तुमने पता नहीं कितने टिक्कियाँ खाई, कितने पकौड़े खाए, फिर भी तुम कहते हो गुजारा नहीं हुआ। आगे कुछ खाते हैं, ठीक है, समोसे वगैरह खा लेते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं ना। तो बस अभी कुछ शम्स कहता है कि मेरा गुजारा भी नहीं हुआ, लेकिन चलो चलते हैं फिर आगे। वैसे ही हमने तो यहाँ पर टाइम ज़ाया किया, ठीक है, ओके। ये रास्ता रहमान डेरी की तरफ जाता है। रहमान डेरी पर हमने पहले भी एक वीडियो बनाई हुई है। तो दोस्तों अभी हम पहुंच गए बिल्कुल डेरा जात, जहाँ पे रैली हो रही है। तो अभी आप ट्रैक पे, हम अभी आगे जाएंगे और आपके साथ शेयर करेंगे कि रेस कैसे हो रही है और कौन कदर का सुल्तान बनते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बोर्ड्स वगैरह लगाए हुए हैं, ये लोगों का हजूम आप देख सकते हैं, ये मेरे पीछे यहाँ पर लोग जमा हुए हैं, लेकिन कोई कंफर्म पता नहीं चल रहा कि रेस ख़त्म हो गई है या अभी तक है। तो ट्रैक पर आगे चलते हैं, देखते हैं कि क्या हो रहा है। यहाँ पर धूल मिट्टी भी काफ़ी ज़्यादा है, बिल्कुल रेतीली ज़मीन है। आगे ट्रैक पर जाएंगे, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा मिट्टी होगी, लेकिन ये रेस जो है ये अक्सर ऐसी इलाकों में होती है जहाँ पर खुले मैदान, सहरा, रेगिस्तान वगैरह इस तरह के इलाकों में ये रेस होते हैं, और ये इलाका भी बिल्कुल उसी तरह है। तो ट्रैक पर चलते हैं, देखते हैं कि क्या होगा। ये सामने जो आप देख रहे हैं ये बिल्कुल एंट्री पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से रेस शुरू होती है। तो अभी हम भी यहां से जाएंगे आगे ट्रैक पे और देखेंगे कि ट्रैक पे क्या हो रहा है। जिया भाई तो बिल्कुल तैयार हैं, बाइक स्टार्ट की हुई है इसने, तो चले जिया भाई, हम भी रेस में हिस्सा लेते हैं। मट्टी बहुत ज़्यादा है, ये नीचे आप देख सकते हैं रेत है बिल्कुल, इसमें बाइक चलाना काफ़ी मुश्किल बात है, लेकिन हम ट्राई करते हैं। काफ़ी ज़्यादा मट्टी है यार, वो सामने देखें वो गाड़ी आ रही है रेस वाली, आप देख सकते हैं। मोड़ काटो मोड़, क्यों क्या हुआ यार? बहुत मुश्किल है इस तरह, क्योंकि मोटरसाइकिल स्लिप होता है और गिरने का खतरा है। गिर भी जाओ यार इसमें तो कोई चोट तो नहीं लगेगी? नहीं वो तो है, लेकिन रेत में सारे कान मुंह में नाक में घुस जाए तो फिर अच्छा नहीं नहीं खैर नहीं घुसेगी रेत, मेरे पांव में भी रेत चली गई है। तो दोस्तों ये है डी ए खान का डेरा जात रेस कोर्स, जो कि हमारी किस्मत
और ये सारा जो कारनामा है शम्स का है कि हमने बहुत मिसिंग की है, अब लेट हो गए, अभी कोई पता नहीं चल रहा, तो मेरे ख्याल में रेस ख़त्म हो गई है शम्स, वो आखिरी गाड़ी थी जो गुजर गए। तो दोस्तों यही सूरत हाल है, हम रेस देखने आए थे, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। ये डेरा जात का जो क्या कहते हैं इसको, डेरा जात का ये प्रोग्राम है, नहीं प्रोग्राम अच्छा था, ये इनके काम है, आज आखिरी दिन है और सुबह सुबह ही रेस ख़त्म हो गई है। वो सामने तो एक गाड़ी जा रही है, वो सामने एक गाड़ी जा रही है लेकिन पता नहीं है वो रेस वाली गाड़ी है कोई और गाड़ी है। तो हम काफ़ी थक भी चुके हैं और सफ़र भी बहुत लंबा सफ़र हम तय कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर देखने को कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं है, और सिर्फ वो सामने बोर्ड लगे हुए हैं डेरा जात के, और कुछ नहीं है, यहाँ पर कोई इंटरटेनमेंट नहीं है, कोई शुगल मेला नहीं है। वो सामने टेंट लगे हुए हैं आप देख सकते हैं मेरे पीछे, वो दूर शायद आप कैमरे में नहीं देख पा रहे हो, वो सामने टेंट लगे हुए हैं, कुछ भी नहीं है यहाँ। तो हमारा एडवेंचर तो फिर ख़राब हुआ सर, नहीं एडवेंचर है तो सही। हम अभी आगे इस ट्रैक पे जा रहे हैं, जाना बहुत मुश्किल है क्योंकि रेत बहुत ज़्यादा है और बाइक बिल्कुल चल नहीं रही, तो हम कोशिश करेंगे कि हम आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस रेस के मोमेंट शेयर करें, तो हमारे साथ रहें। आखिरकार ट्रैक पर आगे जाकर हमें कुछ देखने को मिल गया। वाह यार कमाल की ड्राइविंग कर रहा है यार, ये तो जबरदस्त। अभी जिया भाई बाइक लेकर आ रहे हैं और मैं पैदल चल रहा हूँ, ये जगह थोड़ी गुजारे वाली है। तो आज आखिरी दिन था डेरा जात रैली का, जो इतवार का दिन था और आज ये फिनिश हो गया, 6 दिन का ये फेस्टिवल था, ये कम्प्लीट हो गया। हमने आपके साथ ट्रैक वगैरह भी शेयर किया, 3 दिन का ये फेस्टिवल था। ये हर साल मुनक़द होता है, दूसरा साल है इसका, पिछले साल भी हुआ था और ये अभी रेगुलर हर साल मुनक़द होता होगा। आज मौसम भी बहुत ही सुहाना है और काफ़ी अच्छा एंजॉय किया, उम्मीद है कि इस तरह के इवेंट्स हर वक्त आया करें। चलो कि जो संडे व्लॉग जो चैनल है इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। अभी हम हमारे डॉक्टर साहब का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो आए और हम वापसी का सफ़र शुरू करें। तो दोस्तों अभी हम वापस जा रहे थे, रास्ते में बारिश भी होने लगी है तो हम थोड़ा रुक गए हैं, समोसे वगैरह खाएंगे। डॉक्टर साहब भी हमारे साथ हैं, समोसे लेकर आ रहे हैं। आपने मैंने आपको कहा कि उसके साथ डेरा चटनी उसमें ज़्यादा डालवाओ यार, वो सब कुछ मैंने समझा दिया है, आपने चाय का ऑर्डर दे दिया है, बस बारिश हो रही है बाहर बहुत ज़्यादा, तो इसलिए हमने यहाँ पे साफ छुपाने की जगह ढूंढ ली, तो हमने कहा स्टे यहाँ पे करते हैं, वो स्टे के साथ साथ चाय भी पीते हैं, समोसे भी खाते हैं। हाँ बस यही कह रहे हैं, अच्छा आज बहुत ही इंजॉय किया माशाल्लाह। अब बाहर मौसम बड़ा ख़तरनाक बन गया है आपके साथ व्यूअर्स के, अच्छा बना हुआ, अच्छा तो बना हुआ है लेकिन जाएंगे पता नहीं कैसे, बारिश बहुत तेज़ शुरू होने वाली है, इस तरह तो होता है इस तरह की, अच्छा बारिश शुरू हो गई है बाहर, बस गए यार बहुत तेज़ बारिश की, बैग रख ले। चुके हैं, बहुत तेज बारिश शुरू है और पानी बिल्कुल बरामदे के अंदर आ रहा है, बहुत बुरी तरह से फंसे हुए हैं, बिल्कुल अंधेरा चल गया। ये देखें दोस्तों सब लोग एक कोने में जमा हो चुके हैं, तूफानी बारिश। वो
वो देंगे वो हवा लेकर चले गए। तो फनी बारिश है और सब लोग जो है इस कोने में जमा हो चुके हैं, ये देखें। तो दोस्तों अभी वापस हम घर पहुंच चुके हैं, रास्ते में बारिश ने बहुत ज़्यादा ख़राब भी किया है हमें, सर्दी भी काफ़ी लग गई। आज की वीडियो आप लोगों ने देख ली, अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें और दोस्तों के साथ वीडियो शेयर भी करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।